ड्रीम इलेवन, फैंटेसी क्रिकेट, माई इलेवन, सर्किल जैसे ऐप्स में दोस्तों करोड़ों रुपए जिताने वाली टीम कैसे बनती है, उसकी पूरी गणित आज हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो में हम आपको वो इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम कैसे बनाए, ड्रीम इलेवन में कप्तान कप्तान कैसे चुने, ड्रीम इलेवन में दोस्तों यूनिक टीम कैसे बनती है, क्या होता है सिलेक्शन परसेंट, क्या होता है पॉइंट टेबल, और कैसे दोस्तों लोग करोड़ों रुपए जीतते हैं। आप दोस्तों हाथ में हाथ रखकर मत बैठिएगा दोस्तों, करोड़ों रुपए आपको भी जीतना है। तो दोस्तों आप लोगों को सीखना पड़ेगा, वो सिखाता कौन है, ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट। फटाफट जाइए ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आईपीएल बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोगों को कमाने से पहले सीखना बहुत जरूरी है, और जो सीखता है वही कमा जाता है। क्या होती है काली सच्चाई, और कैसे लोग दोस्तों गणित लगाते हैं, ड्रीम इलेवन में कैसे लोग विन होते हैं, सब कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और एक एक दोस्तों सेकंड आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और बहुत ही एकाग्रचित होकर के अकेले में ये वीडियो देखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको टीम बनाना है, और टीम बनाने के बाद दोस्तों कप्तान कप्तान चुनने का एक बेहद ही तरीका आपको हम बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपको कप्तान कप्तान चुनना है, और आप लाखों रुपए जीत सकते हैं, करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, #1 रैंक आ सकते हैं। वो भी कैसे दोस्तों, अगर हम आए हैं, हम लाखों रुपए जीता है, तो आप भी जीतने के हकदार हैं। परंतु आप क्या करते हैं दोस्तों, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये भाग्य का फल है, और दोस्तों जिसकी भाग्य में होता है वही दोस्तों जीत पाता है। परंतु हम आपको बताने वाले हैं, भाग्य को दोस्तों कर्मों द्वारा बदला जा सकता है, पीतल के कटोरे को दोस्तों सोना तो नहीं बनाया जा सकता, पर दोस्तों उसमें रगड़ रगड़ करके, कर्म करके दोस्तों उसमें सोने जैसी चमक जरूर उत्पन्न की जा सकती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं, सब कुछ आप सामने आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों जो लोग दोस्तों अधिक टीम बनाते हैं, 8 से 10 टीम ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, सर्किल जैसे ऐस में बनाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग केवल एक टीम बनाते हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आओ चलते हैं, हम बनाते हैं एक दोस्तों लाजवाब तरीके से टीम। हम दोस्तों आप लोग ये समझ ही होंगे गए होंगे दोस्तों, अगर दोस्तों आप दोस्तों 1 से 10 बार खेलते हैं, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बार देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों एक टीम ने टॉस जीता, एक टीम ने टॉस जीता, और दोस्तों टॉस जीतने के बाद क्या हुआ, उसने बैटिंग किया। कोई भी टीम हो सकती है, टीम ए भी हो सकती है और टीम बी भी हो सकती है। टॉस जीता और बैटिंग करने का निर्णय लिया, और मैच क्या है, मैच है दोस्तों T20 मैच है। T20 मैच का को आधार लेकर के हम आपको समझाने वाले। तो दोस्तों T20 मैच में किसी एक टीम ने, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम हो, उसने क्या किया, टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। ये दोस्तों हर लगातार 8 से 10 बार में आपको देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए टीम ए ने दोस्तों, यहां पर हम टीम ए ने क्या किया, टीम ए ने दोस्तों क्या किया, टॉस जीता और बैटिंग करने के लिए निर्णय लेती है, और बैटिंग करने के निर्णय के बाद क्या होता है, वो दोस्तों 180 रन बना लेती है, और उसके विकेट कितने गिरते हैं, 7 विकेट गिर जाते हैं। 180 रन बना लेती है और 7 विकेट गिर जाते हैं, और दूसरी टीम बी आती है, क्या होता है, टीम बी आती है और उसके बाद वो 181 रन बना लेती है, और उसके मात्र 2 विकेट गिरते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा देखने को मिला होगा, आप लोगों को कई बार ऐसा देखने को मिला होगा, और लगभग ये 10% चांस होते हैं। और दोस्तों
10% चांस में ही आपको समझना होगा, क्योंकि लगातार कोई करोड़ों रुपए नहीं जीतता लगातार, परंतु आप दो चार सालों से हार रहे हैं तो आपकी ये गलती है दोस्तों। लगातार अगर आप हारे जा रहे हैं तो दोस्तों गलती है, अगर जीत का हौसला होगा तो दोस्तों लाखों बार के लिए हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, सब कुछ हम आपको समझाने वाले। तो दोस्तों और चलते हैं, हम आपको बताते हैं, हमने बताया टीम ए ने टॉस जीता, 180 रन बनाए और उसके 7 विकेट गिर गए। टीम बी आई बैटिंग करने, उसने 181 रन बना दिया और मात्र 2 विकेट गिरी। अब यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है, बिल्कुल आप एकाग्रचित हो जाइए। अभी तक दोस्तों अगर दोस्तों इधर उधर आपका माइंड जा रहा हो तो कोई बात नहीं, परंतु अब यहां पर एकाग्रचित होने की जरूरत है दोस्तों। तो और चलते तो यहां पर क्या हुआ, टीम ए ने दोस्तों यहां पर ज्यादातर टीम में अधिकतर टीम में क्या होता है कि दोस्तों हम आपको बताते हैं अधिकतर टीमों में क्या होता है। यहां पर हम बता रहे हैं आपको 5 दोस्तों बैट्समैन होते हैं, 2 या 3 ऑलराउंडर होते हैं और दोस्तों यहां पर 4 दोस्तों बॉलर होते हैं। ये क्या है, ये है बैट्समैन, क्या होते हैं बैट्समैन होते हैं दोस्तों, बैट्समैन होते हैं ये दोस्तों, ऑलराउंडर होते हैं और ये होते हैं बॉलर, ये क्या होते हैं बॉलर। ये 3 कंडीशन होती हैं विशेषतर टीमों में, यही टीम हो सकती है और कहीं कहीं देखा जाता है कि यहां पर दोस्तों ऑलराउंडरों की संख्या 3 हो जाती है, यह देखा जाता है विशेषतर मैचों में। अब यहां पर टीम ए ने 180 रन पर 7 विकेट खोया है, 180 रन पर 7 विकेट खोया है, इसका मतलब है टीम ए के लगभग दोस्तों पूरे बॉलर दोस्तों 5 बैट्समैन और दोस्तों 2 ऑलराउंडर पूरी तरह से आउट हो चुके हैं, पूरी तरह से आउट हो चुके हैं। अब यहां पर इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो हम आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टीम बी आती है और वहां पर ओपनर आते हैं और इस टीम की भी कंडीशन यही होती है कि इसके भी दोस्तों 5 बैट्समैन होते हैं, 2 ऑलराउंडर होते हैं और 4 दोस्तों इसमें भी बॉलर होते हैं। अब यहां पर दोस्तों टीम बी आती है और 181 रन बनाकर के मात्र 2 विकेट दोस्तों इसके गिरते हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि शुरुआत के दोस्तों शुरुआत के 4 बैट्समैनों ने दोस्तों शुरुआत के 4 बैट्समैनों ने अच्छा योगदान दिया होगा। आप लोग समझने की कोशिश करिए, शुरुआत के 4 बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया होगा। तो यहां पर जब 4 बैट्समैनों ने अच्छा योगदान दोस्तों दिया तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये 4 बैट्समैनों ने ही रन बनाया होगा। 4 बैट्समैन में कोई ओपनर भी 2 होंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि दोस्तों ओपनरों ने तो ओपनर जरूर 1 गिरा होगा, निश्चित बात है क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं, 1 ओपनर तो जरूर ही गिरा होगा, 100% बात है। हो सकता है दोनों ओपनर गिर गए हों और बी फोर वाले ज्यादा रन बनाए, तो यहां पर यह कह पाना मुश्किल है कि किसने ज्यादा रन बनाया। तो यहां पर यह है कि इन चारों खिलाड़ियों ने ही रन बनाया होगा दोस्तों, इन चारों खिलाड़ियों ने ही रन बनाया होगा। अर्थात आपको टीम किस प्रकार से सिलेक्ट करनी होती है, टीम किस प्रकार से सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही यह बात गूंज जाती है कि कौन टीम कमजोर है और कौन टीम जोरदार है, कौन टीम कमजोर है कौन टीम जोरदार है, ये आपके माइंड में कंसंट्रेट होता है ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले। क्योंकि दोस्तों अगर ये दोस्तों कंसंट्रेट ना हो तो आपका रेशियो जो 3-8 का होता है, 7-4 का होता है, तो दोस्तों ऐसा रेशियो ना बने। तो दोस्तों और चलते हैं, अब दोस्तों आपको टीम बनानी है, अब यहां पर आपको टीम बनानी है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग ये ध्यान देंगे, इस दो टीम ए के दोस्तों 7 विकेट गिरे, टीम ए के 7 विकेट गिरे हैं, आखिर विकेट किसने लिया होगा टीम बी के दोस्तों, ये बॉलरों ने लिया होगा, टीम बी के बॉलरों ने लिया होगा या तो दोस्तों इन ऑलराउंडरों ने लिया होगा।
बात आप समझने की कोशिश करिएगा, टीम बी के बॉलरों ने लिया होगा या दोस्तों दोनों ऑलराउंडरों ने लिया होगा। आप टीम कैसे बनाए, अब आप लोगों को टीम कैसे बनाना है हम आपको समझाने वाले हैं कि अब टीम किस प्रकार से बनानी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और दोस्तों बहुत ही कागजित होकर सुनने की जरूरत है। तो यहां पर हमें किस प्रकार से टीम चुनना है वो सब कुछ हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर दोस्तों टीम बी के देखिए कितने खिलाड़ी लेना है, टीम बी के दोस्तों यहां पर आपको कितने खिलाड़ी लेकर चलना है। टीम बी के ही दोस्तों हम कितने बैट्समैन ले लेते हैं, टीम बी के हम चार दोस्तों यहां पर चार बैट्समैन ले लेते हैं। अब यहां पर टीम बी के चार बैट्समैन हो गए, उसके बाद दोस्तों टीम बी के बॉलर हो गए, तो शुरुआती बॉलरों ने ही विकेट झटके होंगे। तो यहां पर हम तीन बॉलर ले लेते हैं और एक दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर ले लेते हैं, अर्थात टीम बी के दोस्तों यहां पर खिलाड़ी ले लेते हैं एट। कितने खिलाड़ी, एट खिलाड़ी हो जाती है। अब टीम ए की बात करते हैं, टीम ए से कितने खिलाड़ी लेते हैं, बचते हैं तीन खिलाड़ी। अब बात आती है अगर 180 रन बनाया है तो जरूर शुरुआत के खिलाड़ियों ने ही बनाया होगा, तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर दोस्तों या तो ऑलराउंडरों ने बनाया होगा तो टीम ए के दो दोस्तों बैट्समैन को ले लेना है, दो बैट्समैन को ले लेना है और दोस्तों एक ऑलराउंडर को ले लेना है, एक ऑलराउंडर को लेकर के अर्थात टीम ए के तीन खिलाड़ियों को ले लेना है और तीन और आठ, आठ और तीन मिलकर के ये 11 सदस्यीय टीम आपको बना लेनी है। 11 सदस्यीय टीम तो बन गई, परंतु दोस्तों 11 सदस्यीय केवल टीम बनने से आप करोड़ों रुपए जीतने के हकदार नहीं बन गए, क्योंकि टीम बनाना बहुत ही सरल होता है, पर टीम के बाद जो अब मुद्दा आया कप्तान उप कप्तान बनाने का वो बहुत ही लचीला होता है। तो अब यहां पर टीम तो हमारी बन गई पर कप्तान उप कप्तान कैसे बनाए। अब दोस्तों यहां पर आप गलती करते हैं, आप क्या गलती करते हैं दोस्तों कि आप गलती ये करते हैं कि आप लोग फटाफट क्या करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट जिसका सीवीसी में सिलेक्शन परसेंट अधिक होता है, जिसका सीवीसी में सिलेक्शन परसेंट अधिक होता है, सिलेक्शन परसेंट अधिक होता है उसी को आप कप्तान बना देते हैं। यहां पर आपकी गलती चालू हो जाती है, अब गलती आपकी स्टार्ट होती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अगर दोस्तों आपके सीवीसी अच्छे नहीं हुए क्योंकि कप्तान का दोस्तों एक पॉइंट दोस्तों डबल हो जाता है, दो गुना हो जाता है, और वही वाइस कैप्टन का एक पॉइंट दोस्तों डेढ़ गुना हो जाता है, जो आपकी रैंक के इजाफा करने के लिए बहुत ही पर्याप्त हो गया होता है। जिसके कप्तान कप्तान दोस्तों गिरफ्त में आ जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए वही कमा जाता है, यह दोस्तों बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दिया है कि इस प्रकार से दोस्तों कप्तान उपकप्तान फिर बनाए कैसे। तो दोस्तों कप्तान उपकप्तान का खेल समझे दोस्तों, और कप्तान उपकप्तान के लिए स्पेशल वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी तरह से हम आपको बताएंगे। अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा कि टीम बी के ही खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तभी दोस्तों 181 रन पर दो विकेट गिरे हैं। तो आखिर कप्तान उपकप्तान किसको बनाए, तो यहां पर कप्तान उपकप्तान बनाने के लिए दोस्तों ओपनर का चुनाव करना है। फिर भी अब ओपनर तो दोस्तों दो होते हैं, ओपनर में किसको बनाए, तो दोस्तों ओपनर में आपको किसको बनाना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ओपनर में आप लोगों को यह देखना है कि आखिर कौन ओपनर तेज खेलता है, कौन ओपनर दोस्तों स्ट्राइक को रोटेट करता है। तो जो ओपनर मान लीजिए बी टू ज्यादा तेज खेलता है तो आप उसको दोस्तों
कप्तान बना सकते हैं, कप्तान उसको बना सकते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर दोस्तों यहां 7 विकेट टीम ए के गिरे तो वह शायद ऑलराउंडर ने इस टीम को लिया हो, ऑलराउंडर ने विकेट गिराए हो, तो टीम बी के ऑलराउंडर को दोस्तों वाइस कैप्टन बना करके आप की टीम दोस्तों परफेक्ट हो सकती है और आप लाखों रुपए विन कर सकते हैं। तो कप्तान और कप्तान का भी गणित आपको हम समझा दिया। तो दोस्तों आपको सिलेक्शन परसेंट पर आप क्या ध्यान देना है, कितने सिलेक्शन परसेंट। तो दोस्तों हाईएस्ट हम तीन प्रकार से आपको सिलेक्शन परसेंट समझाएंगे। एक होता है हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट, दूसरा होता है योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट, तीसरा होता है लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट। इस तीन प्रकार के सिलेक्शन परसेंट होते हैं। इनमें दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट का मतलब होता है जिसका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों 70 प्लस हो वो हाईएस्ट में आएगा, जिसका सिलेक्शन परसेंट 30 से 70 के बीच में होगा यूरोप में आएगा, और लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट से दोस्तों जिसका 30 से नीचे होता है वो लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट के अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से मात्र 3 खिलाड़ियों को लीजिए, योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट से 5 खिलाड़ियों को लीजिए, और लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट से भी 3 खिलाड़ी लेकर के दोस्तों आप दोस्तों 11 सदस्यीय टीम बना करके आप करोड़ों रुपए विन कर सकते हैं। ये दोस्तों लॉजिक है दोस्तों ड्रीम इलेवन में। अगर आप अधिक टीम बनाते हैं तो एक टीम इस हिसाब से बनाएं आप दोस्तों एक दिन में नहीं तो 10 दिन के अंतर, ये गारंटी लेते हैं 10 दिन के अंतर आप लाखों रुपए विन कर जाएंगे। इसमें दोस्तों शंका न कीजिएगा। वीडियो दोस्तों ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।